कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में सीहोर में कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। देश भर के शिव भक्तों की भारी भीड़ के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा शुरू हुई, जो 11 किलोमीटर का सफर तय कर कुबेरेश्वर धाम पहुंची। इधर कांवड़ यात्रा के कारण इंदौर भोपाल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। एक बार फिर सीहोर बोल बम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारों से गूंज उठा। हर साल की तरह इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा शामिल हुए। कांवड़ यात्रा सीवन नदी घाट से प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर धाम पहुंची। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा के लिए करीब 450 किलोमीटर दूर अमरावती से करीब 5 से अधिक कांवड़ यात्री पैदल चलते हुए सीहोर पहुंचे। कांवड़ यात्रा में करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्त व्यवस्थाएं की गई। वहीं कांवड़ यात्रा के कारण इंदौर भोपाल हाईवे पर एक बार फिर लंबा जाम लगा। सुबह अमलाह में 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे कुबेरेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालु फंस गए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।